हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत डबल कलर की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसे आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकती हैं और आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। ये टू फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इसको बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो टू के मल्टीपल्स में डालेंगे और वन फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ मैंने 15 फंदे डाले हैं। ये फोर रो की डिज़ाइन है, वैसे तो ये टू रो की डिज़ाइन है, लेकिन एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन की जगह चेंज कर देते हैं, इसलिए ये टू की जगह फोर रो की डिज़ाइन हो जाती है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम टू रो बनाएंगे जो कि बेसिक रो होंगी। उस रो को बनाने के लिए पहले हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस तरह से बनाएंगे और बैक साइड से जो फंदा हमें जैसा दिखाई देता है उस तरह से बनाएंगे। जैसे कि इधर से मैंने सीधा फंदा बनाया है तो वो बैक साइड से उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, तो हम उसे उल्टा बनाएंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कलर चेंज करने के कारण इसको सीधा बुन लेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद ये देखिए, ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है। इस उल्टे फंदे में जो नीचे उसके होल है, यहाँ पर हम सिलाई डालेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, फिर इसी होल में सिलाई डाल करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से एक फंदे से तीन फंदे बन जाएंगे। अब इन तीनों फंदों को पहली वाली सिलाई पे कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये तीन फंदे और एक चौथा फंदा, चारों फंदों का एक सीधा फंदा बुन लेंगे। इस तरह से चार फंदे से एक सीधा फंदा ये हम बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। अब हम उनको अपनी तरफ आगे करेंगे। ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। सीधे वाले फंदे को उल्टा बनाना है, उनको पीछे करना है और उल्टे वाले फंदे पे डिज़ाइन बनानी है। ये उल्टा फंदा है, इसके नीचे ये जो होल दिख रहा है, यहाँ सिलाई डाल करके एक फंदा बनाएंगे, उनको आगे करेंगे, फिर इसी होल में सिलाई डाल करके एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से एक फंदे से तीन फंदे बन जाएंगे। तीनों फंदों को पहली सिलाई में ले लेंगे और इस फंदे को भी हम, ये जो फंदा दिख रहा है इसको भी लेकर के हम चार फंदे से एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमारा चार फंदों से एक फंदा बन जाएगा। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, सीधे फंदे से को हम उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, सीधे फंदे में उल्टा फंदा बनाना है और उल्टे फंदे पे डिज़ाइन बनानी है। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इसके बाद ये जो फंदा है जो हमें तीन से एक हमने किया है, इस फंदे को हमें उल्टा बनाना है, तो उनको हम आगे ले आएंगे और ये जो तीन फंदों से एक फंदा बनाया है, चार फंदों का एक फंदा बनाया है, उसको हम उल्टा बन लेंगे, उनको पीछे करेंगे। ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये चार फंदों से एक फंदा बनाया है, इसको उल्टा बन लेंगे, फिर उन पीछे करेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। जो चार फंदों से एक फंदा बनाया है उसे उल्टा बुनना है और जो फंदा इसके बाद का है वो हमें सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनना है। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे और इसके बाद वाला फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। इससे पहले हमने एक फंदा सीधा बुनने के बाद डिज़ाइन डाली थी, इस बार हम दो फंदे सीधे बुनने के बाद, ये देखिए उल्टा फंदा है, उल्टे फंदे पे हम डिज़ाइन डालते हैं, इसलिए दो फंदे सीधे बुनने के बाद तीसरे फंदे पर हम डिज़ाइन डालेंगे। उसी तरह से डालेंगे, जो हमारा उल्टा फंदा है उसके नीचे जो होल है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक फंदा बनाएंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और फिर यहीं से एक फंदा बनाएंगे सीधा। इस तरह से एक फंदे से तीन फंदे यहाँ बना लिए हैं, तीनों को इस तरह से सिलाई पर, पहली वाली सिलाई पर करके चार फंदे से एक फंदा बना लेंगे। ये इस तरह से पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, एक फंदा उल्टा और तीन फंदों पे ये जो उल्टा वाला फंदा है यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है। ये एक फंदा, फिर ये एक फंदे से तीन फंदा बन गया, इसको इस तरह से लेकर के चारों फंदों से एक फंदा हमें बनाना है। ये चार फंदे हैं, चार फंदे से हमें एक फंदा सीधा बनाना है। ये इस तरह से पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, उनको हम चाहें तो दोनों फंदे सीधे बना लें और चाहें तो इस फंदे के बाद वाला फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा बना लें। डिज़ाइन की फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे,
इसके बाद वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो तीन चार फंदों से एक फंदा बनाया गया है उसको हमें उल्टा बुनना है, इसलिए इसके पहले वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, ये उल्टा बुनेंगे, इसके बाद वाला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है। यहाँ पर फोर रो बना करके एक बार हम डिज़ाइन बना चुके थे, और दूसरी बार मैंने फोर रो बना करके डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं और इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, ये डिज़ाइन अच्छी लगती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप अपना सहयोग और प्रेम पहले की ही बात बनाए रखिए, जिससे कि मैं आपके लिए रोज़ ही एक नई और अच्छी वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।